अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। म्युनिसिपल यूनियन कामगार की ओर से अकोला मनपा का काम बंद आंदोलन। म्युनिसिपल यूनियन कामगार की ओर से आज बुधवार के रोज़ यह आंदोलन सातवें वेतन के पैसे न मिलने की वजह से किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कामगार यूनियन के सचिन नंद किशोर उजवाना ने बताया कि जनता भाजी बाजार का पैसा मिलने के बावजूद भी मनपा प्रशासन सातवें वेतन का पैसा और मनपा कर्मचारियों की पेमेंट नहीं दे रही है, न ही पेंशन का पैसा दे रही है। इसी को लेकर म्युनिसिपल यूनियन कामगार की ओर से आज मनपा काम बंद आंदोलन किया गया। इस समय आंदोलनकर्ताओं को मनपा प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनको सातवें वेतन का और पेंशन का पैसा जल्द ही दिया जाएगा, जिसे देखते हुए यह आंदोलन को खत्म किया गया। इस समय मनपा कर्मचारी और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन सईद खान के साथ मेहताब शाह की रिपोर्ट। काम बंद आंदोलनाचं आयोजन केलेलं होतं। या आंदोलनाची दखल घेऊन माननीय माजी महापौर विजयभाऊ अग्रवाल आणि माननीय आयुक्त खापंडे साहेब यांनी संघर्ष समितीला चर्चेकरता बोलावलं आणि या चर्चेमध्ये सकारात्मक सर्वच मागण्यांवर चर्चा झालेली आहे। 20,000 रुपये येत्या सोमवारी सहाव्या वेतन आयोगाच्या रकमेतून, जी फरकाची रक्कम आहे, प्रत्येक कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत। उर्वरित रक्कम जी आहे, उद्यापासून शहरामध्ये टॅक्स वसुलीची मोठ्या प्रमाणात आम्ही एक मोहीम राबवणार आहोत आणि या रकमेतून निर्माण होणारा जो काही पैसा येईल तो सारा पैसा महानगरपालिका कर्मचाऱ्याच्या वेतनावर पेन्शनवर खर्च करण्यात येईल अशा पद्धतीची चर्चा झालेली आहे। बाकीच्या ज्या मागण्या आहेत त्यावर सुद्धा माननीय आयुक्तांनी लिखित स्वरूपाचा करार करण्याचं आश्वासन दिलं, त्यामुळे आज जो आमचा संप सुरू होता हा संप तूर्त आम्ही स्थगित करत आहोत। सुद्धा ते देऊन नाही राहिले, त्याच्यामुळे आज संप पुकारण्यात आलेला। हमारी मागे पूरी करो, हमारी मागे पूरी करो, हमारी मागे पूरी करो। अस्तोर यूनियन अकोला 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।